हेलो गाइस, आज हम तहरी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए चाहिए मिर्चा, टमाटर, प्याज, जीरा, लहसुन और चावल। धो के रखे हैं चावल, कुकर बैठा दिए हैं। हल्दी, नमक और जीरा चाहिए। तेल डाल दिए। तेल गरम होने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे, मिर्चा डालेंगे और लहसुन डालेंगे। लहसुन ऐसे ही डाल देंगे, अगर आपकी मर्जी हो तो उसको कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हम तो ऐसे ही डालते हैं। उसके बाद प्याज और आलू डाल देंगे, साथ में इनको साथ में ही भूनेंगे। हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। नमकीन चावल भी बोल सकते हैं, तहरी भी बोल सकते हैं, हम लोग तो नमकीन चावल ही बोलते हैं। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के डालने के बाद हल्का सा नमक डालेंगे ताकि गल जाए। हल्दी डाल देंगे, हल्दी ज़्यादा ही डालना है, जैसे दाल में हम लोग डालते हैं वैसे ही। यहाँ घी डाल रहे हैं, खुद घी अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से अच्छा बनता है। दिख नहीं रहा था तो इसलिए हम फ्लैश लाइट जलाए। अब इसमें हम चावल डाल के इसको भी 2 मिनट तक भूनेंगे। नमक डाल दिए, नमक ज़्यादा ही डाल रहा है उसके हिसाब से, मतलब ये बनेगा तो ज़्यादा होगा, इसलिए हम सबके लिए खाना बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा डाले हैं, ज़्यादा बन रहा है। एक कुकर बनेगा पूरा मिला के, 2.5 लीटर का शायद कुकर है। हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। फिर इसमें पानी डाल देंगे, एक सीटी आने तक देखेंगे। एक सीटी आने के बाद देखिए मेरा ऐसा बना है तहरी। तहरी बोलिए, नमकीन चावल बोलिए, जो आपकी इच्छा। थैंक यू।